ये सारे ऑप्शंस बहुत ही अफोर्डेबल है एंड येट दे आर सो एलिगेंट। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे ज्यादातर मेरी फीमेल फ्रेंड से आती है कि साहिल मेक अ वीडियो ऑन गिफ्ट आइडियाज फॉर मेन, क्योंकि हम जब भी उनके लिए कोई तोहफा लेने जाते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता। और ये चीज सिर्फ लड़कियां फेस नहीं करती, ये चीज लड़के भी फेस करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी सिंप्लीफाइंग दिस थिंग फॉर यू, कीप ऑन वॉचिंग। तो यार ये लिस्ट देने से पहले ना मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी कोशिश पहले कर लो ये पता लगाने की कि उस बंदे को एक्चुअल में किस चीज की जरूरत है, क्योंकि वो गिफ्ट जो किसी की जरूरत पूरा कर दे उससे बेटर गिफ्ट हो ही नहीं सकता। बट समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, और ऐसे में जो लिस्ट मैं आपको आज दूंगा वो बहुत काम आएगी। ऑलराइट, सो सबसे पहला ऑप्शन विच इज वेरी अंडररेटेड, और ये चीज आजकल लोग बहुत अवॉइड करते हैं किसको देने से, और वो है न्यू क्लोथ्स। आई नो क्लोथ्स गिफ्ट करना थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि आपको साइज का ध्यान रखना होगा, आपको आपके फ्रेंड का कलर प्रेफरेंस का ध्यान रखना होगा, आपको उसके पर्सनल स्टाइल का ध्यान रखना होगा, और ये सारी चीज क्लोथ्स को एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन बना देती है। लेकिन आप बहुत ही सिंपल सी चीजें गिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके फ्रेंड के पास एक वाइट शर्ट नहीं है तो आप उसको वो गिफ्ट कर सकते हो, अगर उसके पास एक ब्लैक टी शर्ट नहीं है तो आप उसको वो भी गिफ्ट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन हाउ टू बिल्ड अ मिनिमल वार्डरोब, यू कैन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम हियर। इस वीडियो में मैंने एक लिस्ट दी थी उन कपड़ों की जो एक बंदे के लाइफ में हमेशा यूजफुल रहेंगे। आप उस लिस्ट में से भी कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि जहां से आप परचेज कर रहे हो उनके पास कोई एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी हो, इन केस उसको फिट थोड़ा टाइट या लूज होता है। बट व्हेन यू डू इट राइट, तो न्यू क्लोथ्स एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ऑन द लिस्ट इज क्वाइट कॉमन, अ रिस्ट वॉच। अब ये मैंने लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि लड़कों के लिए ये एक बहुत ही एसेंशियल पीस है, और अगर आपके फ्रेंड के पास अभी एक रिस्ट वॉच नहीं है तो आपको उसको वो ही गिफ्ट करना चाहिए, एक ऐसी रिस्ट वॉच जो उसकी सारी आउटफिट्स को कॉम्प्लीमेंट करे। जस्ट गेट हिम अ ब्राउन और ब्लैक लेदर वॉच विद अ मिनिमल डिजाइन। यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस वीडियो विच आई मेड ऑन बेस्ट वॉचेस अंडर 1000 रुपीज। इसमें मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही वर्सेटाइल वॉचेस दिखाई हैं। यू शुड हैव अ लुक एट इट। मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, आपको शायद 3-4 हज़ार रुपए खर्च करना पड़ जाए, एंड दे आर अ पेयर ऑफ ड्रेस शूज। लड़कों को शूज बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, बट फिर भी मैंने एक चीज नोटिस की है कि वो फॉर्मल शूज में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। तो इस मौके का आप फायदा उठा सकते हो ताकि जब भी वो एक फॉर्मल आउटफिट पहने तो उनके पास एक्चुअल में एक शूज हो जो उनकी आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। यू कैन गेट हिम अ टैन ब्रोग और अ ब्लैक मॉन्क स्ट्रैप। ये एक मॉन्क स्ट्रैप है बट दिस इज ऑक्सप्लेट कलर, यू कैन गेट समथिंग सिमिलर इन ब्लैक। और फिर जब भी वो ड्रेसअप होगा उसके पास एटलीस्ट एक फॉर्मल शू होगा, और जब भी वो उसको पहनेगा इट विल मेक हिम थिंक अबाउट यू। एंड नाउ नंबर 4 विच इज अ वेरी कॉमन ऑप्शन, परफ्यूम्स। यार अगर ये लिस्ट में परफ्यूम्स ना हो तो ये लिस्ट अधूरी रहती, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसको परफ्यूम्स यूज करना नहीं पसंद, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है जब वो अच्छा स्मेल करते हैं। लेकिन जब परफ्यूम्स की बात आती है तो हर किसी का अपना अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को बहुत लाइट फ्रेग्रेंस पसंद होती है तो किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद होती है। इसलिए मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा जिनको अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो तो उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। नंबर 1 इज अजारो क्रोम। ये परफ्यूम मैंने 1.5 साल यूज किया है, इट वॉज अ वेरी नाइस परफ्यूम। इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है और ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, सो इट इज अ नाइस ऑप्शन। बट अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है देन सेकंड ऑप्शन इज डेविड ऑफ कूल वाटर। इट इज अ वेरी नाइस एंड अ वेरी अफोर्डेबल परफ्यूम। और अगर आपको इस परफ्यूम का एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए देन चेक आउट दिस वीडियो फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स संदेश शर्मा। सब्सक्राइब हिज चैनल फॉर पैशन वीडियोस, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एंड नाउ द नेक्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट इज एक्सेसरीज। यहां आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। यू कैन गिफ्ट हिम अ ब्रेसलेट, आप उसको एक नेकलेस दे सकते हो। अगर आपका फ्रेंड सूट पहनना पसंद करता है तो आप उसको पॉकेट स्क्वायर गिफ्ट कर सकते हो, आप उसको टाई बार गिफ्ट कर सकते हो, आप उसको एक बेल्ट भी गिफ्ट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस बहुत ही अफोर्डेबल है एंड येट दे आर सो एलिगेंट। अनदर ऑप्शन इज यू कैन गिफ्ट हिम अ वॉलेट। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे स्लिम वॉलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। आई गॉट माई सेल्फ दिस कस्टमाइज्ड वॉलेट। अगर आप उसको ऐसा कुछ दे सकते हो देन आई एम वेरी श्योर ही विल लव इट। मूविंग ऑन टू नंबर 6 विच इज अ वेरी नाइस ऑप्शन एंड इट इज अ बैकपैक। ये एक ऐसी चीज है जो आपके फ्रेंड के ऑलमोस्ट हर दिन काम आएगी। इफ ही इज अ स्कूल गोइंग पर्सन तो आप उसको एक सिंपल सा बैग गिफ्ट कर सकते हो फॉर हिज स्कूल। यू कैन ऑल्सो गिफ्ट हिम अ लेदर बैकपैक बिकॉज इट लुक्स वेरी नाइस। अगर आपका फ्रेंड ऑफिस में तो आप उनको लैपटॉप या मैसेंजर बैग दे सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा उनके लिए। अनदर लेदर बैग विच यू कैन गिफ्ट इज अ लेदर डफल बैग। अगर आपके फ्रेंड को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और इस समय जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता है तो आप उनको एक लेदर डफल बैग दे सकते हो, विच इज आई गेस द मोस्ट स्टाइलिश ऑप्शन फॉर कैरिंग योर स्टफ। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल आइटम ऑफ द लिस्ट इज अ गिफ्ट कार्ड, एक स्पेसिफिक क्लोथिंग ब्रांड का या फिर आप Amazon गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट हैव टू कीप इट सिंपल। गिफ्ट कार्ड होने के बाद आपका फ्रेंड वो चीज डायरेक्टली ले सकता है जो उसे चाहिए, एंड व्हाट कैन बी बेटर देन दिस। अ गिफ्ट कार्ड विद अ हैंड रिटन नोट वर्क्स रियली वेल। एंड नाउ यू नो कि अगर किसी लड़के को कोई गिफ्ट देना है तो कौन सी चीजें बेस्ट रहेंगी। सो
If you like this video and you found it helpful, give it a thumbs up. Also check out my last video which I made on underwear mistakes. It might be helpful for you. And now time to say bye. I'll be back with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.